आज की क्लास में हम लोग एग्जेक्टिव के अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे वो क्वेश्चन है जो एग्जेक्टिव के चैप्टर में आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर सकते हैं। सो आज ऐसे सारे क्वेश्चंस के कलेक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जरा ध्यान से देखिएगा। योर इनकम इज मेनी टाइम्स हायर देन सोहंस। ये जो सेंटेंस है, ये पढ़ते वक्त, समझते वक्त, जब हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं, पढ़ने के बाद तैयारी कर चुके होते हैं, उसके बाद जो है उसके बाद बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर एग्जाम में जाते हैं, और फिर जब 3-4 सेकंड में ये क्वेश्चन मिलता है फिर गलत करके आ जाते हैं। देखो रिदम देखना, योर इनकम इज मेनी टाइम्स हायर देन सोहंस। पढ़ने में, रिदम में कहीं लग रहा है एरर है? नहीं। जब रिदम में एरर नहीं पता चलता है ना, तो फिर दिक्कत होती है। पढ़ने में अटपटा सा नहीं लगता है, तब हम गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। योर इनकम इज मेनी टाइम्स हायर देन सोहंस। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे सेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे एक कीवर्ड है टाइम्स, ये आपको पढ़ाया गया था, और इसके साथ आपको बताया गया था कि टाइम्स के साथ कंपरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और यहां पे कंपरेटिव डिग्री का इस्तेमाल है, तो टाइम्स के साथ कंपरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हो। यही छोटा सा रूल है। अगर कंपरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कैसे लिखेंगे? योर इनकम इज मेनी टाइम्स हायर की जगह आप क्या लिखोगे? एज हाई एज, और हायर देन ये हटाओगे, तो एज हाई एज सोहंस। योर इनकम इज मेनी टाइम्स एज हाई एज सोहंस। ये रूल याद रखिएगा कि टाइम के साथ आप कंपरेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं करते हो। रूल बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, रूल बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, कंपरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नो राइटर इन इंडिया वॉज सो फेमस एज मुंशी प्रेमचंद। नो राइटर इन इंडिया वॉज सो फेमस एज मुंशी प्रेमचंद। यहां पे एक बात समझिए, यहां पे लिखा है नो राइटर। नो राइटर का मतलब ये हो गया कि कोई भी राइटर इतना फेमस नहीं है जितना कि मुंशी प्रेमचंद। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आता है बच्चा, और इसमें भी एरर करने के चांसेस बड़े हो जाते हैं। जब इस तरीके के सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं तो आपको एक बात ये समझना होता है कि जैसे सो और एज है, सो और एज का इस्तेमाल हम नेगेटिव में करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, और एज एज का इस्तेमाल हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, ठीक है। एज एज का इस्तेमाल हम नेगेटिव सेंटेंस में भी कर लेते हैं, लेकिन सो एज का इस्तेमाल हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं करते। तो यहाँ पे नो नेगेटिव मीनिंग देता है, इसका ये मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है ये तो सही है, इसमें किसी तरीके का एरर नहीं है। सो हमको लगता है कि सेंटेंसेस ओके, तो कई बार हम नो एरर मार देते हैं अगर थोड़े से समझदार है, अगर हमारी तैयारी थोड़ी ठीक चल रही है। लेकिन एक एग्जेक्टिव के चैप्टर में रूल पढ़ाया जाता है कि जब आप कंपेयर कर रहे होते हो सिमिलर चीज़ों को, और कंपेयर कर रहे होते हो कंपेरेटिव डिग्री में, तो आपको आपको एक चीज़ देखनी होती है कि कंपैरिजन करते वक्त जब मैं किसी, मतलब मेरा कंपैरिजन किसी और के साथ किया जा रहा है, अगर सेम काइंड की बात हो रही है, तो जो एक बकेट इधर है, जो एक बकेट है, इसका कंपैरिजन दूसरे बकेट के साथ किया जा रहा है, किसी भी तरीके का कंपैरिजन हो, तो इस वाली बकेट में ध्यान रहना होता है, ये वाली चीज़ नहीं होना चाहिए। मान लो इस वाले बकेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, इस वाले बकेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये भी एक चीज़ है, तो ध्यान रखना होता है कि आपको ये इस वाली बकेट से एक्सक्लूड करके फिर कंपेयर करना होता है। आप इसके अंदर तब रख सकते हो जब आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो। अगर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हो तो इसको इस वाले से आपको अलग करना होता है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, मतलब समझिएगा। नो अदर, जैसे ही इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, नो अदर राइटर इन इंडिया वॉज सो फेमस एज मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद भी जो है राइटर है। अब सेंटेंस ये कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र के अलावा कोई और दूसरा राइटर फेमस नहीं है, कोई दूसरा राइटर उतना फेमस नहीं है जितना मुंशी प्रेमचंद। अगर हम ये अदर शब्द का इस्तेमाल अगर यहाँ पे नहीं करते हैं, इसका ये मतलब हो गया कि नो राइटर में मुंशी प्रेमचंद भी आ जाएंगे, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद भी राइटर हैं। तो जब आप कंपेयर कर रहे हो तो पूरे बकेट में से मुंशी प्रेमचंद को हटाना पड़ेगा। ये आपका कंपेरिजन जो हो रहा है वो पॉजिटिव डिग्री में हो रहा है। अगर हम बात करें, अगर कंपरेटिव डिग्री में हम करते हैं, कंपरेटिव डिग्री में करते हैं, तो जो
शब्द है वो एनी अदर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कुछ कीवर्ड आपको याद होगा, एनी अदर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सो यहां ध्यान रखिएगा कंपेयर करते वक्त इन चीजों का, खास करके आपको एग्जाम सेंटर पे ध्यान रखना होता है कि इस तरीके की गलतियां ना हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है लिटिल दैट शिवांगी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल। जब भी आपके एग्जाम में किसी भी सेंटेंस में लिटिल या फ्यू जैसा शब्द आए, लिटिल या फ्यू जैसा शब्द आए, तुरंत एक बात ये देख लीजिएगा कि कहीं काउंटेबल अनकाउंटेबल तो नहीं चेक करना है। आपको पता है कि जो लिटिल है वो अनकाउंटेबल के साथ आता है, फ्यू जो है काउंटेबल के साथ आता है। लिटिल दैट शिवांगी डिड, अगर कोई काम किया जा रहा है उसको आप गिन नहीं सकते हो, इसका ये मतलब है लिटिल का इस्तेमाल सही है। फिर जब एक बार फ्यू और लिटिल में क्लियर हो जाते हो तो एक और चीज देखना होता है कि विदाउट आर्टिकल, तो यहाँ पे बात हो रही है कि सिंपल लिटिल का यूज के जो रखा है वो सही है, या फिर यहाँ पे ए लिटिल का इस्तेमाल करने की जरूरत है, या फिर द लिटिल का इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपको ये पता है कि इसकी मीनिंग में बताया था कि टेंडिंग टू जीरो होता है, इसका मतलब होता है जीरो प्लस, इसका मतलब जो भी आपके पास थोड़ा सा है वो सारा अवेलेबल चीज। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो ये कहना चाहता है लिटिल दैट शिवांगी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल, जो जो शिवांगी ने थोड़ा सा मेरे लिए किया ना वो भूलने लायक नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा किया वो पूरा भूलने लायक नहीं है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है वो ऐड करने लायक है कि द लिटिल दैट शिवांगी डिड, मतलब जो थोड़ा सा पूरा शिवांगी ने किया वो हमारे लिए जो है अनफॉरगेटेबल थिंग है। तो यहाँ पे आर्टिकल इस्तेमाल करना लिटिल के पहले आर्टिकल था। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, हैव यू ब्रॉट सम गोल्ड फॉर मीरा। अब देखो आपको यहां पे ये समझना होगा कि आपको एक चीज पढ़ाई गई होगी सम वर्सेस एनी, सम वर्सेस एनी, सम का इस्तेमाल आपको बताया गया है, देखना ध्यान से, सम का इस्तेमाल आपको बताया गया है कि ये जो होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, नॉन नेगेटिव सेंटेंस में होता है, और एनी का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में होता है और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हैव यू ब्रॉट सम गोल्ड की जगह क्या होना चाहिए बच्चा, ये होना चाहिए एनी। सो एग्जेक्टिव के चैप्टर में एक लेक्चर आपको डिलीवर किया गया था कि करेक्ट यूज ऑफ सम एग्जेक्टिव्स, तो ये क्वेश्चन वहां से बन के आया हुआ है। इसी में एक केस और आता है जब आप सम का इस्तेमाल इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हो, जब आपको जवाब यस देना होता है, जब आपको जवाब यस में देना हो तो आप सम का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। सो कई लोगों के दिमाग में चलेगा कि हैव यू ब्रॉट सम गोल्ड फॉर मीरा, आपने किसी से क्वेश्चन बोला, किसी ने साहब ने बोल दिया यस मैं ले आया हूं। जवाब अगर सिंपली यस में देना हो, ठीक है, यस या नो में देना हो, बेसिकली यस या नो किसी में जवाब दे सकते हो, अगर जवाब सिंपली यस या नो में देना हो तो आप सम का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर यहाँ फिर सम सही है, देखो जवाब हो सकता है आप यस नो में जवाब दे सकते हो, लेकिन जब एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन रख के पूछता है ना, तो उसका पर्पज ये होता है कि सेंटेंस का जवाब यस या नो में नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इस पे देखो लड़ाई लड़ी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, अलग अलग जगहों पे जाके लड़ाई लड़ी जा सकती है कि नहीं सर इसका जवाब यस नो में दिया जा सकता है, सो सम नहीं होना चाहिए जो है, मतलब इसमें सम का यूज के सही है। लेकिन नहीं, जब एसएससी पूछती है तो उसके पूछने का नजरिया यही रहता है कि इसका जवाब यस और नो में नहीं है। जब इस तरीके से जब भी आप क्वेश्चन मार्क लगा के पूछोगे तो किसी भी इस तरीके के क्वेश्चन मार्क का जवाब जो है जब वर्ब से स्टार्ट होता है यस नो में दे सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे समझना एग्जामिनर का नजरिया बस ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह आप इसको देख पा रहे हो, जिसमें आप रूल पढ़ते हो कि सम का इस्तेमाल नहीं होता है, एनी का इस्तेमाल होता है, ये वही वाला केस है। तो इस तरीके का अगर सेंटेंस आपके एग्जाम में आता है तो सम को रिप्लेस कीजिएगा, एनी में लगाइएगा, नो एरर मत मारिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है शिवांगी इज क्लेवरर देन ऑनेस्ट। ये देखो आपको रूल पढ़ाया गया है और कई बार बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ये बताया गया है कि एक ही पर्सन के मान लो कोई चुन्नू मुन्नू है, इनकी दो क्वालिटी को कंपेयर किया जा रहा है। तो जब कंपेयर किया जाता है और एक क्वालिटी को दूसरे क्वालिटी के ऊपर बेहतर बताया जाता है, तो आपको पता है कि मोर प्लस ईआर का कॉम्बिनेशन लेते हैं, मोर प्लस ईआर का कॉम्बिनेशन लेते हैं। वैसे तो ईआर और मोर का कॉम्बिनेशन नहीं लेते हैं, लेकिन इस केस में लेते हैं, एक ही बंदे की क्वालिटी वन और क्वालिटी टू को कंपेयर किया जा रहा हो और क्वालिटी वन को क्वालिटी टू के ऊपर बेहतर बुरा बताया जा रहा हो और कंपेरेटिव डिग्री में हो, ग्रेटर देन लेस देन बनाया जा रहा हो, तो मोर प्लस ईआर का इस्तेमाल करते हैं। तो शिवांगी इज मोर क्लेवरर, क्या आएगा, मोर क्लेवरर देन ऑनेस्ट। अब इनमें से कोई ऐसा रूल नहीं है जो मैंने आपको क्लास में नहीं पढ़ाया है। अगर एग्जेक्टिव के चैप्टर्स के ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कृपया जाकर रिवाइज करो एग्जेक्टिव का चैप्टर अच्छे से, ये मैंने पूरा बताया आपको, बहुत अच्छे से बताया है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलेंगे। सोहन इज ए फॉर्चुनेट पर्सन हुज ऑल एफर्ट सक्सीड नो एरर। अब देखो यार, ये याद है आपको, एक रूल मैंने लिखा था ऑल और बोथ, और लिखा था होल, याद तो होगा। अगर आप थोड़े भी अलर्ट रहे हो तो आपको याद होना चाहिए। आपको बताए इसके बाद आर्टिकल द और पोजेसिव केस, इसके बाद पोजेसिव एग्जेक्टिव जो है इसके बाद इस्तेमाल किया जाता है, और होल के केस में इसके पहले इस्तेमाल किया जाता है। इसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है या पोजेसिव केस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑल और बॉथ और होल में कंफ्यूज नहीं होना, ऑल और बॉथ के बाद और होल के पहले लिया जाता है। अब यहां पे क्या है, यहां लिखा हुआ है पर्सन हुज ऑल एफर्ट्स, तो ऑल के पहले हुज क्या होता है, हुज पोजेसिव केस है ना, आपको पता है हुज पोजेसिव केस है, तो यहां पे ऑल के बाद पोजेसिव केस आना होता है। तो करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, ऑल हुज, ये करेक्ट स्ट्रक्चर है। आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करना होगा। रूल देखो यही है, सबको अच्छे से याद होना चाहिए, जाकर रिवाइज कर लो सब लोग। फिर सेवन है, बट फॉर योर हेल्प नोबडी वुड हैव सक्सीडेड इन एन ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन लाइक दिस। बट फॉर योर हेल्प नोबडी वुड हैव सक्सीडेड इन ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन लाइक दिस। इस सेंटेंस में किसी तरीके का एरर नहीं है, किसी भी तरीके का एरर नहीं है। तो मैं लिख के कैसे बताऊं कि इसमें ये कुछ इसमें एरर नहीं है। इस तरीके का आपके एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं सबके सेट में आए, लेकिन अगर मेंस का पेपर दे रहे हो तो एक दो क्वेश्चन आपके नो एरर के मिलते हैं। इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का एरर नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर एट है, होल द चैप्टर, अभी अभी बता के आ रहे हैं कि ऊपर वाले में है, होल द चैप्टर, इसके आगे आपको पढ़ने की भी जरूरत है। आपको नहीं लगता कि होल के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, द होल चैप्टर, द होल चैप्टर। अब देखो अगर आपको कीवर्ड्स पता है ना तो आप आगे ही नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन यहीं पहली लाइन में ही सॉल्व हो गया। होल के बाद द नहीं लगाते, होल के पहले द लगाते हो, पोजेसिव केस लगाते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमरस टू हर लुक्स। आपको ओसास्कम्प, ये छोटा सा ट्रिक ऑफ फॉर्मूला पता है, अगर ओसास्कम्प का फॉर्मूला पता है तो आपको ये पता है लॉन्ग पहले आएगा ब्लैक बाद में जाएगा। ये लिया गया है ताकि आप ओसास्कम्प का पूरा फॉर्मूला जो है सही से आप पढ़ लो। फिर टेंथ है, रिवाइज कर लो क्लास में जाके ओसास्कम्प का फॉर्मूला। These sort of men attain worldly success by hook or by crook, so they deserve to be looked down upon. अब यहाँ पे आपको एक बात ये बताया गया था, देखो short of, आपको पता है कि इसके पहले हम this that का इस्तेमाल करते हैं, तो ये होता है singular, इसके पहले singular और इसके बाद singular रखते हैं, फिर ये plural रखते हैं जैसे these हो गया, तो इसको short को आपको shorts लिखना होता है, of इसको भी plural लिखना होता है। मैन, यहाँ ऊपर मैन लिख सकते हो और यहाँ पे मैन लिख सकते हो। ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा याद होना चाहिए, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, काइंड ऑफ भी इसी स्ट्रक्चर में आता है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो दीज सॉर्ट ऑफ मैन, यहाँ पे देखो ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, बस सॉर्ट को शॉर्ट्स कर दो, बस हो गया काम। काइंड, काइंड भी इसी तरीके का होता है कि काइंड इस्तेमाल करना या काइंड इस्तेमाल करना है, तो आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, सब लोग ध्यान से देखते चलिएगा। ही वॉन्टेड सर्टन बॉय टू मेक एंट्री इन टू द प्रिंसिपल्स चैम्बर। यहां पे देखो एक चीज समझना, सर्टन, सर्टन बॉयज लिखते हैं या फिर ए सर्टन बॉय लिखते हैं, ये स्ट्रक्चर दोनों फॉलो कीजिएगा, या तो सर्टन बॉयज लिखते हैं या फिर ए सर्टन बॉय लिखते हैं। इसके पहले देखो बॉय लिखेंगे, इसका ये मतलब है सिंगुलर है, तो आर्टिकल ए हमको ऐड करना पड़ेगा, बॉयज है तो ये प्लूरल सही है। यहाँ पे देखो बॉय लिखा हुआ है तो आर्टिकल ए का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा इसके पहले। ही वॉन्टेड ए सर्टन बॉय टू मेक एंट्री इन टू द प्रिंसिपल चैम्बर। इसको जो है नोट कर लो और कॉपी में लिख लो अगर किसी के पास ये लिखा हुआ नहीं है तो। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, इट इज अ वर्थ सीइंग मूवी एंड यू मस्ट नॉट मिस इट। ये वन ऑफ द क्लासियस क्वेश्चन है जो आज के दिन लिया गया है। ये क्वेश्चन मतलब ऐसा है कि आपको ये पता है एग्जेक्टिव के दो तरीके का इस्तेमाल होता है, एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज, एक होता है प्रेडिकेटिव यूज। दो तरीके का यूज होता है, इसको बोलते हैं पहले इस्तेमाल करना नाउन को, इसको कहते हैं बाद में इस्तेमाल करना। और आपको पता है जितना भी क्वाल डिस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव है जिसको क्वालिटेटिव एग्जेक्टिव बोलते हैं, वो सारे के सारे दोनों तरीके से इस्तेमाल होते हैं, पहले और बाद में। दोनों तरीके से आप क्वालिटेटिव एग्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हो। जैसे मैं बोलूं इट इज़ ए मूवी, आप ऐसे समझिए, अगर मैं इसको बोलूं
इट इज ए मूवी। और किसी ने पूछा जैसे मैं मूवी देख के आया और आपने पूछा कि मूवी कैसी है, तो किसी ने बोला मस्त है, इट्स ऑसम मूवी, ठीक है, इट्स ऑसम मूवी, इट्स ब्यूटीफुल मूवी। तो यहां पे क्या है कि क्वालिटी बतानी है आपको, डिस्क्रिप्शन बताना है मूवी कैसी है। तो जो वर्थ सीइंग है, अभी क्या बता रहे हो, इट इज ए मूवी कैसी है, वर्थ सीइंग है, देखने लायक है, इसका मतलब क्या है, देखने लायक है, देखने लायक है। तो ये मूवी का क्या है, डिस्क्रिप्शन है, तो ये इसके लिए एग्जेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे बात यह है कि ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसको ऐसे नहीं रखते, इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में इसका इस्तेमाल जो होता है वो बाद में किया जाता है। तो इट इज ए मूवी वर्थ सीइंग, इसको एट्रिब्यूटिवली इस्तेमाल करने के बजाय प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे का रीजन ये है, ये जो सीइंग है, मैं थोड़ा लॉजिक भी आपको बता देता हूँ, ये जो सीइंग है वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ नाउन का काम कर रहा है, और वर्थ अपने आप में क्या है, एग्जेक्टिव होता है, ये नाउन भी होता है, कई कई जगह वर्थ नाउन की तरह भी काम करता है, ठीक है, मूवी अपने आप में नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीइंग है ये नाउन का भी रोल प्ले करेगा, पार्शियली, पार्शियली जो है नाउन का भी रोल प्ले कर रहा है, लेकिन एज ए होल ये दोनों एज ए कंबाइंड कंपाउंड एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है, वर्थ सीइंग और मूवी का डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। तो इसको इधर रखने पे ना इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो मतलब नाउन के बाजू में नाउन इस तरीके से आ जाएगा कि वर्ब की आईएनजी देन मूवी आया है, तो ये सुटेबल नहीं माना जाता है, इस वजह से इसको बाद में इस्तेमाल किया जाता है। तो इट इज ए मूवी वर्थ सीइंग, इसका करेक्ट स्ट्रक्चर होगा, एंड यू मस्ट नॉट मिस इट, और तुम्हें इसे मिस नहीं करना चाहिए। तो इसका जो सही स्ट्रक्चर है वो वर्थ सीइंग को पहले के बजाय वर्थ सीइंग को बाद में आप डालोगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इवन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन। अब इसमें जैसे ही हम यहाँ पे चलते हैं तो आपको एक रूल पढ़ाया गया होगा कि जितने भी IOR हैं, एक छोटा सा रूल पढ़ाया होगा गया होगा, एक IOR रूल है, दूसरा जो है जितने भी सेप होते हैं, जैसे ट्राइंगुलर हो गया, जितने भी एग्जेक्टिव हैं जो IOR में ख़त्म होते हैं, जितने भी सेप हो गए, या कोई ऐसी चीज़ है जैसे एम्प्टी हो गया, एवरलास्टिंग हो गया, ठीक है, परफेक्ट हो गया, चीफ हो गया, जो अपने आप में एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हैं, इम्पॉसिबल जैसा शब्द हो गया, इनके साथ कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाया जाता है। तो अगर कोई चीज़ परफेक्ट है, कोई चीज़ यूनिक है, तो इसका ये मतलब है वो अपने आप में लास्ट पोजीशन में है, तो उसके साथ मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पे मोस्ट का इस्तेमाल सुपरफ्लुअस सेंटेंस को बना रहा है, तो परफेक्ट के साथ कभी भी मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी और शब्दों के लिए जाके रूल रिवाइज कीजिए एक बार, ताकि चीज़ें सब आपको रिकॉल रहे। अभी यहाँ पे परफेक्ट लिया है, ज़्यादातर जो एग्जाम में आता है वो यूनिक आता है, जैसे कंक्लूजन आता है, कंक्लूजन के पहले फाइनल लग के आता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद हो, इम्पटी के पहले नहीं, वायर्ड के पहले नहीं लगाते हैं, तो सारे के सारे कई सारे शब्द हैं, वो शब्द आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। हमने भी रट्टा मारा है, आपको भी रट्टा मारना पड़ेगा। इसके सिवा अगर आपको लगता है कि बगैर रट्टा मारे हुए अगर कुछ आपका काम चल जाएगा तो नहीं चलने वाला भैया, ठीक है। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फेलो बिकॉज ऑफ हिज एमिएबल नेचर। अच्छा, आपको याद होगा आर्टिकल पढ़ाते वक्त आपको एक रूल पढ़ाया गया था, एक रूल पढ़ाया गया था जिसमें आपको ये बताया गया था कि मोस्ट के पहले आप आर्टिकल एक का इस्तेमाल करते हो। रूल किसी को याद है? नहीं याद है, आर्टिकल के चैप्टर में जाओ, ये आपको पढ़ाया गया है। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। जैसे ही आप मोस्ट देखते हो आपको सुपरलेटिव डिग्री की फीलिंग आती है, इंटरेस्टिंग है, मोस्ट इंटरेस्टिंग फेलो है, तो आर्टिकल आप द सही मानते हो। ये केस है लाइक हिम, आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ए मोस्ट इंटरेस्टिंग फेलो बिकॉज ऑफ हिज एमिएबल नेचर। जब हमको एक का सेंस देना होता है कि वो मतलब इंटरेस्टिंग फेलो है और वो अपने आप में यूनिक काइंड का है, वन काइंड का है, तो वन का यहाँ पे आपको देना होता है, इस वजह से आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हो। तो आई लाइक हिम बिकॉज ही इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फेलो, ही इज ए मोस्ट इंटरेस्टिंग फेलो, वो मोस्ट इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो यहाँ पे एक का सेंस देना है, वो एक मोस्ट इंटरेस्टिंग फेलो है, यहाँ पे एक का सेंस देना, इसलिए द की जगह आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। ये रूल आपको आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ाया गया है। आई वॉज सरप्राइज टू सी हर स्पीक विथ सम वॉट एंगर। ये देखो जो क्वेश्चन है, आई वॉज सरप्राइज टू सी हर स्पीक विथ सम वॉट एंगर, मैं मतलब सरप्राइज हो गया उसको देख के, विथ सम वॉट एंगर, वो मतलब बोल रही थी सम वॉट एंगर में, देखो सम वॉट एंगर नहीं होगा, यहाँ पे वॉट एडिशनल लगा हुआ है, ठीक है। तो आई वॉज सरप्राइज टू सी हर स्पीक विथ सम एंगर। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होता है, चलो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और सिखाता हूँ, कि कई बार टीचर्स आपको अवेलेबल नहीं होते हैं, आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हो या फिर कोई और चीज़ दे रहे होते हो,
तो कुछ एक्सरसाइज होती है जो आपको खुद करना होता है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको समझना होगा, सबको याद करना भी होगा और समझना होगा, और ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं सामने तभी जो है समझ में आते हैं। लेट्स थिंक इट एज कि ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको समझ में नहीं आ रहा क्या एरर है क्या नहीं एरर है। तो एक चीज है जब मैं आपको सोल्यूशन बना रहा हूं कि आई वॉज सरप्राइज टू सी हर स्पीक विथ सम एंगर होना चाहिए, सम वॉट एंगर नहीं होना चाहिए। अब आपके दिमाग में हमेशा ये चलना चाहिए कि सर सम और सम वॉट में क्या डिफरेंस होता है। तो कई बार तो ऐसे होंगे कि जो टीचर्स आपके पास अवेलेबल होंगे, कई बार आपके पास टीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। मान लो ये तो एक पेयर है, हम डिस्कस करते हैं, ऐसे कई तरीके के पेयर्स आपको मिलेंगे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त मॉक टेस्ट में आएंगे। तो आप इन पेयर्स को कैसे पढ़ते हो और कैसे जो है इनका कलेक्शन रखते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं इसको यहीं पे इस वजह से छोड़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसे प्रैक्टिस करो, और जो समझदार बच्चा है जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी अलर्ट है, प्लीज ग्रुप में मेरे को मैसेज करो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड सम व्हाट, और कहाँ पे हम सम का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे हम सम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। सम का इस्तेमाल तो आपको पता है, सम और एनी, सम का इस्तेमाल ए लिटिल के सेंस में करते हैं, ठीक है। लेकिन कहाँ पे सम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं, क्यों यहाँ पे हम सम व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो गूगल पे आप ऐसे लिख सकते हो, आपको इसका जवाब मिलेगा, सम वर्सेस सम व्हाट, सम वर्सेस सम व्हाट, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और उनको पढ़ने की कोशिश करो, उनसे सार निकालो। ये अगर आप चीज सीख गए तो आपकी तैयारी बहुत सही हो जाती है। जब भी आप टेस्ट में जाते हो, एक दो क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते हैं, जब मॉक टेस्ट देते हो, कई सारे मॉक टेस्ट देते हो, जब प्रैक्टिसेस करते हो, तो इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज सामने आपके आते हैं। तो आप कैसे रेक्टिफाई करोगे उसको, अपने कॉपी में कैसे नोट डाउन करोगे, इसके लिए आप इसको एक बार गूगल करके देखो, और जितने बच्चे हैं मतलब सभी लोग इसको ट्राई करो, और ट्राई करके सम और सम व्हाट के बीच में मतलब विषय में इसके बीच में डिफरेंस क्या है वो निकालने की कोशिश करो, निकाल के अपने अपने जवाब जो है आप कम्युनिटी टैब पे पोस्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। सी वॉज नॉट पनिश्ड दो सी केम लेटर देन आई। अब देखो, एक जब करेक्ट यूज पढ़ाया जाता है तो लेट और लेटर समझाया जाता है, लेट और लेटर समझाया जाता है, आपको फॉर्मर का अपोजिट लेटर पढ़ाया जाता है। लेट का मतलब होता है देर से, देर से, ठीक है। लेट का मतलब होता है देर से। सी वॉज नॉट पनिश्ड दो सी केम, यहाँ पे लेटर की जगह क्या होना चाहिए, दो सी केम लेट, वो देर से आई, यहाँ पे सेंस क्या देना है, देर। फॉर्मर का अपोजिट लेटर नहीं बताना है आपको। सी वॉज नॉट पनिश्ड दो सी केम, जैसे दो पार्ट होते हैं, आप ऐसे समझो दो चीजें होगी, जैसे एक दो की बात कर रहे हो, इसको फॉर्मर बोलते हैं, इसको लेटर बोलते हैं, फॉर्मर पार्ट और लेटर पार्ट, लेटर पार्ट ऑफ द मूवी बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि एक जब भी मूवी देखते आते हो उसमें ब्रेक होता है, ठीक है, इंटरमिशन होता है, तो पहले वाले पार्ट को फॉर्मर पार्ट बोलेंगे, बाद वाले पार्ट को लेटर पार्ट बोलेंगे, ठीक है। और लेट का मतलब होता है देर से, मूवी देर से पहुंचे। सी वॉज नॉट पनिश, वो उसको पनिश नहीं किया गया, यद्यपि जो है वो देर से आई, तो यहाँ पे देर से आने के लिए लेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसे सारे जो है एग्जेक्टिव जो आपको सिखाए गए हैं कि ये सारे के सारे एग्जेक्टिव आपके एग्जाम में आते हैं, देखो ये सारे के सारे बहुत क्लासी क्वेश्चन हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बहुत अच्छा, बहुत क्लासी क्वेश्चन है। द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस देन एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। देखो इसमें क्या है, इसमें भी वही सेम बातचीत है। द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस, वैसे ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है यार, ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है। आई थिंक कि प्रोनाउन की क्लास में ये शायद क्वेश्चन इस तरीके का इंक्लूड नहीं था, अच्छा हुआ यहाँ पे इंक्लूड हो गया। द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस देन एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। अब एक बात समझो कि आप कंपेयर कर रहे हो, आप क्या बता रहे हो कि जो शेक्सपियर का काम है, जो शेक्सपियर का काम है वो ज़्यादा फेमस है दूसरे इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, मतलब शेक्सपियर भी ऐसे थे जो लिखते थे ड्रामास, और बहुत सारे ऐसे इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं जो लिखते होंगे। तो लिखा है द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस देन एनी अदर। अब देखो कंपेरेटिव डिग्री में एनी अदर का इस्तेमाल किया गया है, इसका ये मतलब हो गया कि शेक्सपियर को इस वाले पार्ट से हटा दिया गया है। मैंने आपको बोला कि अगर कंपेरेटिव डिग्री होगा तो एनी अदर कीवर्ड का इस्तेमाल होता है, तो एनी अदर कीवर्ड इस्तेमाल किया गया, इसका ये मतलब है इंग्लिश ड्रामेटिस्ट के ग्रुप में, मतलब ये ग्रुप वर्सेस शेक्सपियर को हम कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, और इन दोनों को कंपेयर करने में ये वाला जो है अब इसके अंदर नहीं है, क्योंकि एनी अदर लगा दिया गया है, एनी अदर के साथ ये पूरा का पूरा ग्रुप रखा गया हुआ है, एनी अदर के साथ। इसका मतलब है कि इस ग्रुप में अब शेक्सपियर नहीं है,
लेकिन अभी भी एक गलती है यहाँ पे, यहाँ पे शेक्सपियर का इंग्लिश ड्रामेटिस्ट के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो कंपेयर करना है वो शेक्सपियर के काम का, शेक्सपियर के काम का बाकी ड्रामेटिस्ट के काम से कंपेयर करना है। तो जब काम से कंपेयर करना होगा तो द वर्क्स आपको दोबारा चाहिए, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस देन द वर्क्स ऑफ एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए द वर्क्स ऑफ, द वर्क्स ऑफ। लेकिन इसका एक दूसरा पैटर्न बनाया गया था कि अगर आपको नाउन की रिपीटेशन अवॉइड करनी हो द वर्क्स ऑफ की जगह आपको क्या काम करना है, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर लो। अब ये प्लूरल है तो क्या इस्तेमाल करोगे, दैट ऑफ की दोज ऑफ, आपको दोज ऑफ इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, दोज ऑफ, दोज ऑफ, देन दोज ऑफ एनी अदर, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर्स आर मोर फेमस देन दोज ऑफ एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। समझ में आई बात, एक बार फिर से समझते हैं इसी चीज को, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हमें जो कंपेयर करना, दो चीजें मैंने आपको बताई कि शेक्सपियर को इस वाले ग्रुप से अलग रखना है क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री में कंपेयर कर रहे हो, और जो कंपेयर कर रहे हो शेक्सपियर का इंग्लिश ड्रामेटिस्ट के साथ नहीं कर रहे हो, शेक्सपियर के काम का बाकी इंग्लिश ड्रामेटिस्ट के काम से कंपेयर कर रहे हो। तो द वर्क्स को यहां पे दोबारा आप रखो, लेकिन नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस केस में इस्तेमाल करते हैं, तो हम दोज ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमने आपको लेक्चर में, जहां पे आपको वापस जाकर रिवाइज करना पड़ेगा अगर आप कुछ मिस कर रहे हो तो। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। आई सा एन एनेक्सियस पेल गर्ल हु व्हेन आस्क्ड लेट मी नो दैट सी वाज सफरिंग फ्रॉम कंजम्पशन। अब देखो एक बात है कि जैसे लिखा है कि एनेक्सियस पेल गर्ल, उसास काम का आपका शॉर्ट ट्रिक याद होगा, तो पेल एनेक्सियस गर्ल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पेल एनेक्सियस गर्ल होना चाहिए, दिस इज द राइट ऑप्शन। सबको उसास कम याद है, ओपिनियन साइज कॉलर, जाके एक बार पूरा रिवाइज करो ताकि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट, दो क्वेश्चन हो गया आज की क्लास में, ताकि आपको पता रहे कि हाँ आपको उस पर्टिकुलर पार्ट पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। इट इज ए फैक्ट दैट महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। आपको याद है एक पेयर पढ़ाया गया था, फर्स्ट वर्सेस फॉरमोस्ट, फर्स्ट मतलब होता है पहला और फॉरमोस्ट होता है अग्रणी, पहला अग्रणी, तो जो गांधी जी थे वो अग्रणी थे, पहले नहीं थे। इट इज ए फैक्ट दैट महात्मा गांधी वॉज द फोरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, अग्रणी थे, फर्स्ट नहीं थे, बहुत सारे पॉलिटिशियन थे, गांधी जी ने पहले जो है राजनीति में कदम नहीं रखा था, पर अग्रणी थे, तो यहाँ पे फोरमोस्ट का इस्तेमाल होना है फर्स्ट की जगह, करेक्ट जो वर्ड है वो फोरमोस्ट होगा फर्स्ट की जगह, याद करो जाके, सब पेयर पढ़ाया मैंने आपको अच्छे से। दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता, आपको पता है कि फर्दर का मतलब एडिशन होता है, एक ये है, इसके साथ एक और दूसरे की बात करेंगे तो फर्दर की बात करेंगे, लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो फर्दर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फर्दर की बात करते हैं, फर्दर की नहीं, FARTHER, ठीक है। 22 है, सी हैज ए रिमार्केबली लविंगली अपियरेंस विच ब्रिंग्स हर ऑनर एंड एडमायरेशन एज वेल। देखो यहाँ पे एक एल वाई ये इस्तेमाल है, एक एल वाई ये इस्तेमाल है। अब आपको समझना होगा कि देखो लव और लविंग, लव मतलब प्यार हो गया नाउन, ये नेम दे दिया आपने प्यार को, लविंग जो शब्द होता है ये होता है आपका एग्जेक्टिव, इसमें एल वाई जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, जो लविंगली है ये बन जाएगा आपका एडवर्ब। तो देखो ये है नाउन, नाउन के पहले आता है एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव को और मॉडिफाई करने के लिए रिमार्केबली शब्द का इस्तेमाल है, ये है आपका एडवर्ब, क्या है, ये हेडवर्ब। यहाँ पे जो चाहिए, यहाँ पे चाहिए लविंग, क्योंकि आपको चाहिए एग्जेक्टिव और ये है क्या, ये है एडवर्ब। लविंग जो होता है वो एडवर्ब होता है, सॉरी वो एग्जेक्टिव होता है, लिविंगली जो होता है वो होता है एडवर्ब। तो जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे लविंग होगा जो करेक्ट वर्ड होगा, और एग्जेक्टिव लविंग होता है और लविंगली जो है आपका एडवर्ब होता है, तो ये करेक्ट स्ट्रक्चर जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25। देखो अपन लोग अभी ज़्यादातर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम का समय है, समय बचाते हुए रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो रिवीजन पे फोकस करते हैं। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल मेटल्स दैट आर यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स एज फॉर एज वी ऑल नो। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल मेटल्स, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल द मेटल्स दैट आर यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स एज फॉर एज वी ऑल नो। अच्छा इसमें ध्यान से देखिएगा, जब हम बात करते हैं गोल्ड की,
एक तो ये क्वेश्चन है, एक दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें हम कंपरेटिव डिग्री में कंपेयर कर रहे होते हैं। तो जब हम कंपरेटिव डिग्री में कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम एनी अदर कीवर्ड का देखते हैं, ध्यान देते हैं, लेकिन जब ये सुपरलेटिव डिग्री में होता है, जैसे मोस्ट प्रीशियस लिखा हुआ है, तो ऑफ ऑल द मेटल्स लेते हो, क्योंकि सब मेटल्स में से ये सबसे बेस्ट है, सब मेटल में से ये बेस्ट है, इसमें आप एक्सक्लूड नहीं करते, आप एनी अदर का इस्तेमाल नहीं करते हो। तो ये वाला क्वेश्चन होता है, या तो कंपेयर करके एनी अदर शब्द का इस्तेमाल। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होता है कि अगर कंपरेटिव डिग्री इस्तेमाल है तो एनी अदर कीवर्ड होना चाहिए, और अगर कंपरेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं है तो ऑल शब्द इस्तेमाल होना चाहिए, जो कि सेंटेंस में किसी भी तरीके का एरर नहीं है, सेंटेंस में नो एरर है 23rd में। उसके बाद 24 है, नो लेस देन 50 ऑडियंसेस आर सिटिंग इन द हॉल एंड वेटिंग फॉर देयर बिलव्ड आर्टिस्ट अपियरेंस ऑन द स्टेज। नो लेस देन 50। अब यहाँ पे ध्यान देखिएगा, आपको एक बार पता है लिटिल, लिटिल का कंपरेटिव डिग्री होता है लेस, लिटिल का कंपरेटिव डिग्री होता है लेस। अब आप समझिए, जो फ्यू होता है ये नंबर बताता है, और जो लिटिल होता है ये क्वांटिटी बताता है, ये क्वांटिटी बताता है। अब यहाँ पे 50 जो है ये नंबर्स बता रहा है, तो लेस की जगह क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए नो फ्यू, और इसका अगर कंपरेटिव डिग्री इस्तेमाल करोगे तो नो फ्यूअर देन 50 ऑडियंस आर सिटिंग, क्योंकि देन लगा है तो फ्यू का कंपरेटिव डिग्री फ्यूअर होता है, ठीक है। तो लेस इस्तेमाल नहीं करना है आपको, बस ये ध्यान देना है 50 इज द नंबर, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है, नंबर के लिए लेस का इस्तेमाल नहीं करते, लिटिल का कंपरेटिव लेस होता है, ठीक है। 25 है, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटिफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर यंगेस्ट सिस्टर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक रूल आपको पढ़ाया गया था कि अगर कंपरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री दोनों एक साथ लेना हो तो इसमें ER प्लस देन का इस्तेमाल करते हैं, या मोर प्लस देन का इस्तेमाल करते हैं, और इसको एज एज या सो एज के बीच में रखते हैं, सो एज के बीच में रखते हैं, पर ये वाला रूल इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटिफुल, और यहाँ पे देन मिसिंग है, देन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटिफुल देन बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर यंगेस्ट सिस्टर। यहाँ पे देखो सो एज इस्तेमाल है कल्चर्ड के लिए, बट यहाँ पे मोर ब्यूटिफुल के साथ देन मिसिंग था, आपको देन लेना पड़ेगा। ये रूल आपको सिखाया गया था कि अगर कंपरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री दोनों एक साथ इस्तेमाल होना हो तो ER और देन, या मोर प्लस देन, एज एज या सो एज, जो सुटेबल है वो यहाँ पे लगाना पड़ता है। फिर 26 है, वॉट प्लीजेज हिम मोर इज ए हेल्दी क्रिटिसिज ऑफ हिज परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस का मतलब है उसको सबसे ज्यादा क्या प्लीज करता है, जो प्लीज करता है बता रहे हेल्दी क्रिटिसिज, उसके परफॉर्मेंस को अगर हेल्दियर रूप से जो है आप क्रिटिसाइज करते हो तो उसको प्लीज करता है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे कंपेयर नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये बता रहना है कि सबसे ज्यादा होना है, कंपेयर होने के लिए ये पता होना चाहिए ना किससे कंपेयर हो रहा है, तो कंपेयर नहीं हो रहा है। वॉट प्लीजेज हिम द मोस्ट, वॉट प्लीजेज हिम द मोस्ट इज ए हेल्दी क्रिटिसिज्म, सबसे ज्यादा उसे क्या जो है वो होता है, वॉट प्लीजेज हिम मोस्ट। अब यहाँ पे एक चीज ये समझना है कि वॉट प्लीजेज हिम, अब यहाँ पे आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्योंकि मोस्ट के बाद आपके पास नाउन नहीं है, नाउन होता तो आप द लगाते, अदरवाइज सिंपली आप मोस्ट लिखोगे। वॉट प्लीजेज हिम मोस्ट इज ए हेल्दी क्रिटिसिज्म ऑफ हिज परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे मोर की जगह क्या होना चाहिए, मोस्ट होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि कंपरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में क्या रखेंगे हम। तो व्हाट प्लीजेज हिम मोर नहीं, सबसे ज्यादा उसे क्या प्लीज करता है, तो सबसे ज्यादा के सेंस में मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। दिस फोटोग्राफ वॉज कंपरेटिवली बेटर, आपको याद होगा कि हम यार कंपेयर करते हैं तभी तो ER लगाते हैं, तो ER और कंपरेटिवली सब एक साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हम या तो ER रिमूव करके यहाँ पे लगा दें गुड, कंपरेटिवली गुड, लेकिन दो अलग अलग हिस्से में है, दो अलग अलग हिस्से में है, तो कंपरेटिवली शब्द को यहाँ पे हमको इरेज करना पड़ेगा और बेटर देन को साथ में रखना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको सही कर सकते हो कंपरेटिवली गुड, ऐसे भी कर सकते हो दैट विच करके, लेकिन यहाँ पे जो सही होगा वो होगा दिस फोटोग्राफ वॉज कंपरेटिवली, यहाँ पे इसको आपको इरेज करना, दोनों तरीके से बढ़ा सकते हो, पर सेंटेंस के सिचुएशन के हिसाब से कंपरेटिवली शब्द को आपको हटाना पड़ेगा। इसके बाद आखिरी के तीन क्वेश्चन है, आंसर सारे इसमें लगे हुए हैं, जब आपके पास पीडीएफ जाएगी तो ऑलरेडी आंसर होगा। ही फेल्ड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम डिस्पाइट हिज थ्रोली स्टडी ऑफ द बुक। देखो डिस्पाइट, देखो स्टडी, ये थ्रो और थ्रोली होता है, ये आपका एडवर्ब होता है और थ्रो जो होता है आपका एग्जेक्टिव होता है, स्टडी आपका नाउन है, इसको मॉडिफाई करने के लिए जो चाहिए वो चाहिए एग्जेक्टिव, तो थ्रो शब्द का इस्तेमाल करना। ही फेल्ड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम डिस्पाइट हिज थ्रो स्टडी ऑफ द बुक।
जैसे ही शब्द, जैसे क्या होता है जब आप पढ़ने लगोगे, तैयार करने लगोगे, तो कुछ कुछ कीवर्ड आपके जुबान पे आ जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि डिस्पाइट के साथ हम जो है ऑफ नहीं लगाते, ये याद हो जाता है। डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे कि कीवर्ड आपको कैसे विजिबल होता है। जब फर्स्ट टाइम आप पढ़ते हो तो कीवर्ड विजिबल नहीं होता, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार रिवीजन के बाद जो है कीवर्ड्स विजिबल होना चालू होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सी वेंट टू द होलसेल मार्केट एंड बॉट चीप वेजिटेबल्स। यार ये बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा पहली बार ऐसा होगा कि जहां पे आपको सेंस चिपकाना पड़ेगा, बगैर सेंस चिपकाए हुए बात नहीं हुआ। सी वेंट टू द होलसेल मार्केट, वो होलसेल मार्केट गई और खरीदी चीप वेजिटेबल्स। अच्छा एक बार बताओ कि कोई चीप वेजिटेबल कैसे खरीद सकता है? अगर आप वेजिटेबल के आगे चीप लगा रहे हो तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब हो गया ऐसा वेजिटेबल जो खराब है, सस्ता नहीं है। जब आप चीप वेजिटेबल के पहले लगाते हो तो ये जो सेंस देगा, सही से सेंस देगा, इसका ये मतलब हो गया कि जो खराब वेजिटेबल है। एक्चुअली कहना यह है, आपको क्या काम करना है ये बताना है कि आपने क्या खरीदा, आपने क्या खरीदा, मतलब जो खरीदा है, जो वेजिटेबल खरीदा वो सस्ता है। तो जो कीवर्ड आपको मॉडिफाई कराना है, आपने सस्ता खरीदा है, वेजिटेबल खरीदा है लेकिन कैसे खरीदा है, सस्ता खरीदा है। तो जो चीप शब्द का इस्तेमाल वहां पे है वो यहां पे इस्तेमाल नहीं होगा। सी वेंट टू द होलसेल मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल्स चीप, तो चीप उधर आने के बजाय इसके बाद आएगा। द कार फ्लू ऑफ द रोड एंड फेल इन टू द वैली बिकॉज अमित वॉज ड्राइविंग फास्टर। अब यहां पे तो देखो एक चीज ऐसे समझो कि द कार फ्लू ऑफ द रोड एंड फेल इन टू द वैली, भाई कार चला रहा था वैली में गिर गया, बिकॉज क्योंकि अमित कार तेज चला रहा था, तो कार वॉज ड्राइविंग फास्टर। देखो जब आप ई आर का इस्तेमाल करते हो तो किसके साथ कंपेयर कर रहे हो ये भी बताना होता है। यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे, आपको सिंपली ये बताना है कि वो तेज चला रहा था। तेज चलाने के लिए आपको कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। कंपेरेटिव डिग्री के लिए किसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो उसका भी होना जरूरी है। तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि वो कार तेज चला रहा था, कार किससे तेज चला रहा था। जैसे ही इज ड्राइविंग फास्टर देन समवन, तो आपको ईआर के बाद दिल लगा के बताना पड़ेगा कि किससे वो फास्टर चला रहा था। लेकिन यहाँ पे आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, ये बताना वो तेज चला रहा था। तो ये सारे के सारे अच्छे क्लासिक क्वेश्चन है। वैसे ही मैंने आपको एग्जेक्टिव के चैप्टर में PYQ कराया है, मतलब प्रीवियस में आए हुए जितने क्वेश्चन, जितने लॉजिक है सब करा दिया है। ठीक है, दोबारा आप उसको एक बार जाके रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो दोबारा हमने लिए हैं ताकि आपका फोकस और रिवीजन प्रॉपर तरीके से हो पाए एग्जेक्टिव के चैप्टर में। और अगर इसमें से कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि मिसिंग है या कुछ ऐसा रूल है जो आप भूल गए हो, तो एग्जेक्टिव का पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर लो। इसमें एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको चैप्टर्स में नहीं पढ़ाया, एक सिंगल ऐसा रूल नहीं है जो मैंने आपको एग्जेक्टिव के चैप्टर में नहीं पढ़ाया, सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे एक बात ऐसे समझो, मैं ये जो भेजूंगा इसमें ऑलरेडी जो है सोल्यूशन जो है ऑलरेडी इसमें सोल्यूशन है सारा का सारा। ठीक है,